हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं अब की बार जो चेंजिंग हुआ है वो ये है कि पहले आपका रिटिन है, तत्पश्चात आपकी फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। पहले क्या होता था प्रीवियस भांति में, तो प्रीवियस में ऐसा होता था कि पहले फिजिकल होता था, उसके बाद आपको कॉल किया जाता था रिटिन एग्ज़ाम के लिए। तो अब की बार जो रिटिन एग्ज़ाम है वो पहले दिया गया है, फिर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 100 कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में 25 आपकी हिंदी या इंग्लिश थी, 25 आपकी हिंदी या इंग्लिश थी, और 25 हिंदी या इंग्लिश में आपको एक ऑप्शन करनी थी, या तो आप हिंदी चुन लेते या आप इंग्लिश चुन लेते। आपका 25 रीजनिंग का था, 25 मैथ का था, और 25 आपकी जीके जीएस थी। तो कुल मिलाकर 100 नंबर था, और 100 नंबर में से क्या मार्किंग बन सकती है कि आपको फिजिकल के लिए कॉल करे जाए। दोस्तों, अगर आपको जो ये कट ऑफ हम बता रहे हैं, अगर आपकी मार्किंग इतनी बन रही है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा अपने, ताकि आप जब फिजिकल हो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको कम समय बना है। तो देखेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो सरकार बहुत जल्दी चाहती है कि भर्तियों को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों के दिमाग में ऐसी चीज़ें ना आए कि ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा था। तो इंग्लिश में अगर हिंदी में आपका 80+ स्कोर बनना है, 18+ स्कोर अगर आपने ले लिया है तो एक गुड स्कोर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ में आपका 30+ स्कोर है तो एक गुड स्कोर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल जीके जीएस में आपका 14+ स्कोर है तो एक गुड स्कोर है, और रीजनिंग में 17+ स्कोर है तो एक गुड स्कोर है। तो इस तरह से 17 और 13 30 और 32 यानी 62 स्कोर बन रहा है लगभग। अगर 62 स्कोर अगर आपका है, इतना एक एवरेज स्कोर हम आपको बता रहे हैं, और जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं, स्टेट वाइज बताएंगे डिफरेंट स्टेट में आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखेगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा राजस्थान से। उससे पहले सर से कुछ इसमें राय ले लें कि इस पर आपकी क्या राय है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको बता है कि लगभग 54,000 पदों के लिए आपकी एसएससी जीडी के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं। एग्ज़ाम का लेवल सभी को पता चल चुका है, क्वेश्चनों का लेवल सभी को पता चल चुका है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कट ऑफ का एक अनुमान लग जाता है। तो दोस्तों, इस बार क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इस बार प्रक्रिया यह है अपनाई गई है कि शुरू में आपका रिटिन एग्ज़ाम लिया गया है, अन्यथा इस प्रकार की भर्तियों में जो था आपका पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटिन एग्ज़ाम लिया जाता था, और उसके बाद जो है आपकी कट ऑफ आती थी। लेकिन इस बार क्या है, फिजिकल के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी आपकी कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए लगाई जाएगी। और फिजिकल के लिए आमतौर पर क्या होता है कि केंद्र सरकार की इस प्रकार की भर्तियों में लगभग 15 गुना विद्यार्थी चुने जाते हैं। एसएससी के नोटिफिकेशन में कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान है कि इस प्रकार से जो भर्तियाँ होती हैं उसके लिए लगभग 15 गुना अभ्यर्थी चुने जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है उसके मुकाबले कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। तो कुछ प्रमुख राज्यों के लिए हम कट ऑफ यहाँ पर आपको बताएंगे, पुरुषों के लिए अलग बताएंगे, महिलाओं के लिए अलग बताएंगे, और प्रत्येक कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी और एसटी के लिए अलग अलग बताएंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, और उसके बाद अपनी कैटेगरी और आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके अनुमान के मुताबिक सही हैं, प्लीज अपने अंश जो है अपने जो आपके अंक हैं नंबर हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ, और कट ऑफ को ध्यान से देखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के बीच भी यह मैसेज पहुँच सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने अंक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी अंदाज़ा लग सके कि बच्चों का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है। तो देखिए, स्टार्ट कर देते हैं राजस्थान से कि राजस्थान स्टेट वाइज हम कट ऑफ बता रहे हैं आपको, राजस्थान में क्या कट ऑफ जाएगा मेल फीमेल जनरल एससी एसटी ओबीसी में। तो जनरल अगर आप हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 स्कोर अगर बन रहा है तो एक गुड स्कोर है, ओबीसी में 58, एससी में 54, और एसटी और एक्स सर्विसमैन में 44 स्कोर एक गुड स्कोर होगा। देखिएगा, एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन का किसी भी स्टेट के लिए स्कोर जो है 40 से 45 तक ही वेरी करेगा, यानी 40 से 45 तक ही मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी स्टेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जनरल में फीमेल कैंडिडेट का अगर 52 है तो एक गुड स्कोर है, ओबीसी में 50, एससी में 45 और एसटी में 40। यह एक्स सर्विसमैन के लिए बात अगर हम बता दें तो एक्स सर्विसमैन का हम आपको बता चुके हैं। महिला कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करती है तो ये कट ऑफ रहेगा 52, 50, 45 और 40।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है हरियाणा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो उत्तर भारतीय राज्य होते हैं उनमें कट ऑफ सेंट्रल लेवल का कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें अभ्यर्थियों का नंबर कैंडिडेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा अप्लाई स्टेट में होता है। तो हरियाणा के लिए हम बात करें तो हरियाणा में 64 जनरल के लिए, 60 OBC के लिए, 56 SC के लिए और 50 ST और एक्स सर्विसमैन के लिए, जैसा मैं बता चुका हूँ 40 से 45 ही किसी भी स्टेट के लिए वैरी करेगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। हम बात करें महिला कैंडिडेट के लिए हरियाणा में, तो जनरल के लिए 55, OBC के लिए 52, SC के लिए 48 और ST के लिए 44, यानी 44 स्कोर एक गुड स्कोर हो जाएगा हरियाणा स्टेट के लिए। अब हम आगे जो हम बता दें आपको, जो नेक्स्ट आपका आता है मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का कट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार से थोड़ा डाउन रहेगा। क्या रह सकता है? मध्य प्रदेश का कट ऑफ 59 अगर 59 है जनरल में तो उनको फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाएगा। 56 OBC में, SC में 54, ST में आपका 51 एक गुड स्कोर हो जाएगा, ST में 51 एक गुड स्कोर हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मध्य प्रदेश में ST नंबर ज़्यादा होते हैं, ST अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है जनरल महिला की अगर हम बात करें, जनरल महिला में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका 51 स्कोर अगर है जनरल, OBC में 48, SC में 44 और ST में आपका 40 एक गुड स्कोर हो जाएगा, फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में क्या कट ऑफ जा सकता है, तो महाराष्ट्र में जनरल कैंडिडेट के लिए 48, OBC के लिए 45, SC के लिए 43 यानी 43 और ST के लिए 41 एक गुड स्कोर हो जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें फीमेल में तो 44, 42 OBC के लिए, 40 SC के लिए और 35 यानी 35 ST कैंडिडेट फीमेल के लिए महाराष्ट्र में हम बात कर रहे थे। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट लेवल में जो हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो यहाँ कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल कैंडिडेट के लिए 61 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट में मेल में अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें, 57 OBC में हो, 52 SC में हो और 47 आपके ST में हो तो एक गुड स्कोर हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी करें। अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करें फीमेल की तो 52, 50, 44 और 40 यानी ST कैंडिडेट को 40, जनरल को 52 स्कोर चाहिए जो उन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। ये हमारा SSC GD महिला कैंडिडेट के लिए बात कर रहे थे हम आपको उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में 58 जनरल मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 58, OBC पुरुष के लिए 54, SC पुरुष के लिए 51 और ST पुरुष के लिए 44। अगर हम बात करें महिला कैंडिडेट में तो महिला कैंडिडेट में आपका 51 महिला कैंडिडेट में, 49 OBC महिला कैंडिडेट, 42 SC महिला कैंडिडेट और 40 ST महिला कैंडिडेट एक गुड स्कोर सेफ स्कोर उनके लिए हो जाएगा, हम बिहार के लिए बता रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली का भी कट ऑफ डिफरेंट रहता है इसमें। तो दिल्ली में अगर आपका 56 स्कोर हो रहा है मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी में 56, 56 आपका स्कोर हो रहा है तो गुड है, 52 OBC, 48 SC और 45 ST। दिल्ली की हम महिला कैंडिडेट की बात करें तो दिल्ली महिला कैंडिडेट का जनरल के लिए 50, OBC के लिए 45, SC के लिए 43 और ST के लिए 38 एक गुड स्कोर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट लेवल में बात करें चंडीगढ़ की, तो जनरल चंडीगढ़ का जो जा सकता है 50, OBC में 47, SC में 44 और ST में 40। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रिडिक्शन था, अंदाज़ा था, अनुमान था SSC GD को लेकर कि SSC GD का स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जा सकता है। दोस्तों आपकी इस संबंध में क्या राय है वो भी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी सर से हम आज इस संबंध में राय लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यह जो है केवल फिजिकल के लिए कट ऑफ हमने आपको बताई है, यह फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं है। फाइनल कट ऑफ तब निर्भर करेगा कि आपके जो है फिजिकल का रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है, फिजिकल में आपकी परसेंटेज कितनी है क्वालिफाई करने की, तो बच्चों की परसेंटेज कितनी आती है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, उसके बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको फिजिकल के लिए, और उसके बाद फिजिकल के लिए आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर निर्भर करेगा आपका फाइनल कट ऑफ का। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा, और अपने अंक बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपकी शिफ्ट किस प्रकार से थी, हार्ड और ईजी, तो इसका भी नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर SSC करेगा, तो आपका
नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इससे आप चिंता में मत आइएगा कि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि हार्ड हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप निश्चित होगा यदि आपके अंक इतने हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल काफ़ी अच्छा खासा है। और फिजिकल जो है गर्मियों में होगा इस बार, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो बच्चों को जो है फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिजिकल की अपनी सुचारू रूप से तैयारी कर दीजिएगा यदि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।